हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस डिलॉयट में काम करने का। मुझे लगभग एक साल हो गया है काम करते हुए डिलॉयट में, तो उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और पीछे से आपको हल्की सी बैकग्राउंड नॉइस आएगी यार, प्लीज़ उसको मैनेज करने का कर लेना, बिकॉज अभी घर में काम चल रहा है। और पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ भी सोचा नहीं है दिमाग में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा स्टोरी टाइप रखूँ, जिससे जैसे एक सुनाते नहीं है मतलब सामने बैठ के स्टोरी, उस टाइप का रखूँगा। बिल्कुल रॉ रखूँगा वीडियो को, जिससे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं तैयार करी मैंने, जिससे जो भी बोलूँ आपको वो सुनने में मज़ा आए, स्टोरी टाइप का लगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में अपनी डिलॉयट का, तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं कि कितना काम करना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा, क्या टैक स्टैक मिलेगा। तो इस टाइप से काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, कैसी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, असेसमेंट क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत चीज़ें दिमाग में चलती होती हैं। तो सब चीज़ों का आंसर देता हूं कि मैं YouTube कैसे मैनेज करता हूं, ब्रांड डील्स कैसे मैनेज करता हूं, साथ में डिलॉयट का वर्क कैसे मैनेज करता हूं, सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। और डिलॉयट में कैसे वर्क होता है वो भी बताऊंगा आपको। तो देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी देखो ज्वाइनिंग आ गई थी जब मैंने डिलॉयट को ज्वाइन किया, मेरी जब ज्वाइनिंग डेट थी जब मैंने डिलॉयट को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो शुरू के दो दिन में एक वेलकम टैग का प्रोग्राम होता है, तो जब वेलकम प्रोग्राम होता है तो वो बढ़िया लगा यार। इंट्रोडक्शन हुआ कंपनी में, कंपनी के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंस फील कराई गई कि भाई डिलॉयट कितना बड़ा कंपनी है और जिसमें हम ज्वाइन कर रहे हैं कितना सही जगह है तुम्हारे लिए। तो इस टाइप का तुम्हें बताया जाता है शुरू के एक दो दिन, तो वो ठीक था प्रोग्राम, वो बढ़िया लगा मेरे को। लेकिन हमारा वर्चुअल हुआ था बिकॉज़ तब कोविड के कारण हमारा वर्चुअल प्रोग्राम वो कंडक्ट हुआ किया गया था, इसलिए हमें खाने वाने को तो कुछ मिला नहीं उसमें, ठीक है। तो अब बात करता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हमारी डायरेक्टली ट्रेनिंग शेड्यूल कर दी गई थी, जैसे ही दो दिन हुए उसके बाद हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल कर दी गई थी। सबको अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे सबको उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में, जो उनके पहले से ही ऑफर लेटर में लिख के आया था उसमें ट्रेनिंग शेड्यूल कर दी गई थी, ठीक है। तो जो मैं हूँ तो मैं हूँ SAP में, तो मुझे SAP की ट्रेनिंग्स वगैरह एलोकेट कर दी गई थी। तो सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग दी गई, अराउंड 1 मंथ की ट्रेनिंग थी। और वो जो ट्रेनिंग थी मैं आपको बताऊंगा, तो वो ट्रेनिंग कुछ इस टाइप की होती है कि आपको शुरू में पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के साथ आपको असेसमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ आपको प्रैक्टिकल टाइप के भी दिए जाते हैं, तो उस टाइप से आपकी कुछ ट्रेनिंग्स होती है जिसमें आपके क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स के साथ आपको कुछ प्रैक्टिकली भी चीज़ें करने को दी जाती हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की आपको कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं। तो बढ़िया थी ट्रेनिंग्स, अच्छी थी, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी। ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के बाद अपना एक असेसमेंट होता है एक प्रोजेक्ट टाइप का, तो वो प्रोजेक्ट वगैरह भी कर लिया, अपना असेसमेंट दे लिया, ठीक है। और फिर ट्रेनिंग्स जब हो जाती हैं आपकी, तो ट्रेनिंग्स होने के बाद क्या होता है कि जनरली आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, ठीक है। और अगर उतने प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं होते तो बेंच पीरियड पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ, में थोड़े टाइम के लिए बेंच पीरियड पर चला गया। बेंच पीरियड पर जाने के बाद मुझे प्रोजेक्ट का एलोकेशन भी हो गया, ठीक है। ज़्यादा टाइम बेंच पर भी नहीं बैठना पड़ा था, थोड़ा टाइम बेंच पर रहा, उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट एलोकेशन हो गया। अब जब प्रोजेक्ट एलोकेशन हो गया तो आपको कुछ दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा, वो ये हैं डेलॉयट के रिस्पेक्टिव नहीं, आपके रिस्पेक्टिव, कि देखो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो दो तीन चीज़ें जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप तीन चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो। एक होता है MS Excel, क्योंकि एक्सेल के काफ़ी बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं हर जगह पर, चाहे आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो तो एक्सेल प्रिपेयर जरूर कर लेना, एक बार एक्सेल जरूर सीख लेना। दूसरी होती है SQL, SQL आप किसी भी डोमेन में जाओ डेटा से आपका काम हो गई, ठीक है, तो SQL, NoSQL जरूर सीख के रखना, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपको कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाओ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी, तो वो चीज़ आप पहले से अच्छे से करके रख लेना। और तीसरा होता है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर एक अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना, क्योंकि जब आपको कंपनी में किसी रिस्पेक्टिव डोमेन पर ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी बेसिक चीज़ें रहती हैं वो तो वही होती है, बस सिंटैक्स में ही तो चेंज आता है। हर लैंग्वेज में लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट मतलब जो सिंटैक्स है बस वही तो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो बस ये ध्यान में रखना कि ये तीन चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब मैं प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं मानता हूँ ऐसा कि मैं हूँ। SQL मुझे आता था और एक्सेल मुझे सीखना था, तो मैंने एक्सेल सीख लिया था साथ साथ में। फिर जब मुझे प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, फिर जनरली एक प्रोजेक्ट में काम जैसा होता है वैसा प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत काम किया। काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं डेलॉयट में, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। काफ़ी ओपन वर्क कल्चर है और सपोर्टिव लोग काफ़ी, आपके जो सीनियर्स हैं मैनेजर्स हैं उनको अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है। साथ ही साथ में एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आपको एकदम से कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाता है, प्रोजेक्ट में शेडो किया जाता है, फिर उसके बाद आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे आप पहले अच्छे से फैमिलियर हो जाओ चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ऐसा भी रहता है, तो ये भी चीज़ सही है। और बाकी फिर अगर मैं और बात करूँ तो डेलॉयट में जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो चीज़ अच्छी है कि आपको स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। साथ ही साथ में जो डेलॉयट कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स पर भी फोकस करती है, तो साथ साथ में काफ़ी सारे सेमिनार्स होते रहते हैं आपकी, साथ साथ में आपको एक चीज़
चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जो मैंने डिलोइट में नोटिस करी कि यार ये लोग इतना ट्रेनिंग देते हैं ना, मतलब इनका कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का चलते ही रहता है। हर वीक में आपको कुछ ना कुछ एक वेबिनार या ट्रेनिंग का मेल आ जाएगा जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ट्रेनिंग्स और लर्निंग्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करी जाती है, तो काफ़ी सही है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी निकली, सपोज के SAP में कोई नई टेक्नोलॉजी निकली है UI5, अब UI5 में आप ट्रेन नहीं हो लेकिन अभी मार्केट के डिमांड में आपको चाह रहे हो कि भाई ट्रेनिंग चाहिए, बढ़िया, आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी। यार आपको करना ही क्या है, वेबिनार में रजिस्टर कर दो, सीधे दो दो घंटे के वेबिनार होंगे, आपको दो तीन दिन और आप उस टेक्नोलॉजी में परिपक्व हो जाओगे। तो इस टाइप के आपको मेल्स आते रहते हैं, तो आप उन पे भी एक बार नज़र बनाए रखना अगर आप डिलॉइट ज्वाइन कर रहे हो कि आप किस वाली ट्रेनिंग्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो वो काफ़ी सही चीज़ है यार, तो वो बढ़िया है। साथ ही साथ में आपको कम्युनिकेशन एक्सलेंस वगैरह लर्निंग के काफ़ी सारे कोर्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो अगर आप करना चाहते हो फ्री टाइम में आपके पास, तो आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग वेबसाइट्स वगैरह के आपको क्रेडेंशियल्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। और जैसा कि मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं, आपकी जो लर्निंग स्किल्स है, जो कोड क्वालिटी है, उसका काफ़ी ध्यान रखा जाता है कंपनी में, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप जो भी कहो या फिर कोडर बनने में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कि आपकी जो टेस्टिंग क्वालिटी है, जो कोड क्वालिटी है, जो आप कोड कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे करना चाह रहे हो। आप चीज़ों को ख़त्म करने की नज़र से देख रहे हो, कोई आपको ऑब्जेक्ट मिला या कुछ प्रोजेक्ट मिला उसको आप ख़त्म करने की नज़र से देख रहे हो, या आप उसको लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि मैं इसमें कितना इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी आप पर डिपेंड करता है, हमेशा इंप्रूवमेंट की नज़र से देखना जिससे आपको अच्छी लर्निंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने प्रोजेक्ट पर थोड़ा बहुत काम वगैरह किया। साथ ही साथ मैं बीच में बताना चाहूँगा कि डिलॉयट में यार जो एम्प्लॉई बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, मैंने इसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना डिलॉयट पर्क्स एम्प्लॉई बेनिफिट्स, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको मेरी ही वीडियो मिलेगी KN Academy की, तो वो आप जाके चेक कर लेना, पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया, बहुत अच्छे हैं। और वो जो एम्प्लॉई बेनिफिट्स हैं उनको हट के बीच बीच में आपको भी फूड कूपन्स मिलते रहते हैं, अमेजोन के कूपन मिलते रहते हैं, और यार क्या बताऊँ, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स में तो मैं आपको बात की गारंटी दे सकता हूँ कि डिलॉयट में बेस्ट है यार, इंडस्ट्री में बेस्ट भी मैं बोल सकता हूँ। इतने एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपको कंपनी में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स की तो आप बात छोड़ ही दो, बहुत ज़्यादा आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो डिलॉयट की, ठीक है। तो वो बात है। अब अगर मैं आगे बात करूँ कि यार देखो वर्क लाइफ बैलेंस की, और जो वर्क लाइफ बैलेंस की चीज़ है जिस पर काफ़ी लोग वरीड रहते हैं कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, और आप कैसे आप काम को मैनेज करते हो, तो जैसा आप मेरा यूट्यूब को देख ही रहे होगे तो आपको लग तो नहीं रहा होगा कि मैं काम नहीं करता कंपनी पे, मतलब कंपनी पे भी ऑब्वियसली काम करता ही हूँ मैं, और यूट्यूब पे भी मैनेज करता ही हूँ, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती प्रॉब्लम? देखो वर्क लाइफ बैलेंस का मैंने देखा है कि इशू किन लोगों को होता है, उन लोगों को होता है जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी भी MNC में चले जाओ, जैसे कि जो IT सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग प्रोग्रामिंग और DSA ऐसा कुछ रखती नहीं है क्राइटेरिया, तो जो कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं तो उनका जो प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन होता है वो नहीं होता इतना मजबूत, मैंने देखा है कंपनीज़ में, ठीक है, तो उनको ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं आ रही होती है, फिर वो कहीं ना कहीं कंपनी में सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो, चाहे डेलॉयट हो, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस का इशू नहीं आएगा अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। इसलिए कंपनी ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, साथ ही साथ में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ा बहुत डेवलप करना चालू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आपको हेल्प करेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी प्रोग्रामिंग करी हुई थी, तो मेरे को डीबगिंग की स्किल काफ़ी अच्छी है मेरी, मैं कमेंट्स लगा के कोई भी कोड डीबग कर देता हूँ, बहुत अच्छे से डीबग करना आता है मुझे कोड्स को, तो वो स्किल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है कंपनी में, क्योंकि कभी इतने बड़े बड़े कोड्स होते हैं कंपनीज में, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी बड़े बड़े कोड्स होते हैं, तो डीबगिंग उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो चीज़ मुझे आती है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करती है, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ, तो जब मेरा फिर उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट था मेरा, इससे ये मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिस पे मैं एलोकेट हुआ था, फिर ये वाला मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मेरे को और ट्रेनिंग दी गई एक दूसरे डिपार्टमेंट में, मैं SAP में था, फिर मुझे कोई दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद फिर मेरे को दोबारा से एक SAP का प्रोजेक्ट मिला जिसमें अभी मैं करंटली इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कुछ जर्नी रही, और साथ ही साथ में इस जर्नी में अगर मैं आपको सीखने की बात करूँ तो देखो मेरे हिसाब से जो 4-5 पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने ज्वाइन किया था कहीं ना कहीं मेरे को एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि मैं कम्युनिकेट अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट होते हैं, कभी किसी से बात करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक साल में उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हुई। दूसरी बात,
प्रेशर हैंडलिंग एक जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप कंपनी में ही सीखते हो कि आपको अपनी डेडलाइंस कैसे मैनेज करनी है, प्रेशर कैसे मैनेज करना है, तो वो आपको एक अच्छी तरीके से आ जाता है। और कहीं ना कहीं जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ है, हम अपना टाइम वेस्ट कहीं भी करते रहते हैं, वो जब तक आप किसी कंपनी में वर्क करोगे मुझे नहीं लगता आप सीख पाओगे, क्योंकि वहाँ आपको क्या चीज़ प्रायोरिटी है, क्या चीज़ प्रायोरिटी नहीं है, उस हिसाब से आप अपने टास्क को मैनेज करते हो, ठीक है, और उस हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करते हो, तो उस हिसाब से आपके जीवन में भी आपको टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और तीसरी बात, अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो जैसा मैंने बोला कि मुझे कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस का कोई इशू नहीं आया, बिकॉज आई एम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों को करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड अच्छे से कर पाते हो, आपको पता है क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, कौन सी चीज़ किस वक्त पर करनी है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस का इशू नहीं आएगा, इस बात के लिए मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। अब उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं, तो भाई देखो हाइक्स वाइक्स की बात तो मैं कुछ लीक कर नहीं सकता कि मैं कंपनी में वर्क कर रहा हूं करेंटली, तो मैंने इस वीडियो में भी सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियली रखी, ज़्यादातर बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं। हाइक्स की बात करूं तो देखो हाइक्स भी डिलॉट में काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी डिसेंट हाइक आपको मिल जाती है, अच्छे अमाउंट ऑफ हाइक मिल जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय को हैप्पी रखने का एक अच्छा जरिया है कि इस टाइम पर, जबकि कंपनी में आप देख सकते हो कि कंपनीज़ में क्या हालत चल रही है इस टाइम पर, उस टाइम पर भी डिलॉट अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को हाइक्स वगैरह देती है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है और लर्निंग्स मेरी काफ़ी अच्छी रही हैं इस एक साल की जर्नी में। और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, मेरे दोस्त भी और कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, तो उनको मैनेजर से बात करना, अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यहाँ डिलॉयट में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत बहुत सपोर्टिव और ओपन वर्क कल्चर है, और एब्यूजिव वर्क कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कई कंपनीज़ में होता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि काफ़ी लोग, मतलब जितने भी लोग हैं सारे काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो यार अच्छी चीज़ है, और कोई भी ऐसा नहीं मानता कि हम सीनियर हैं तुम जूनियर हो, ऐसा कुछ नहीं है कंपनी में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, तो सही लगा मुझे, मतलब एक साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मैंने यहाँ एक भी बात को शुगर कोट नहीं किया, जो मैंने फील किया वही मैंने आपको बताया है, तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा, और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है, टेक्निकली भी मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, कम्युनिकेशन से भी स्ट्रांग हो रहा हूँ, लीडरशिप में भी स्ट्रांग हो रहा हूँ, तो मेरी जर्नी तो काफ़ी सही रही है। आई होप आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। और टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो यार देखो 24 घंटे होते हैं दिन में, अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे और सोने खाने पीने को हटा के, तो आप कहीं ना कहीं टाइम को यूज़ ही कर रहे होगे। टाइम का यूज़ करना ये मतलब नहीं है कि आप कोडिंग ही करते रहो, इसका मतलब होता है टाइम वेस्ट मत करना, टाइम यूज़ करने का मतलब जस्ट आप अपने हेल्थ पर काम कर रहे हो वो टाइम यूज़ है, आप अपनी कोडिंग स्किल्स पर काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी फ्रीलांसिंग पर वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को खुद एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, दैट्स नॉट अ टाइम वेस्ट। लेकिन आप यार रात रात भर जग के किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज़ देख रहे हो, ये देख रहे हो बच्चे, तो ये चीज़ें फिर आपको अफेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगी, आपके काम पे भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। जितना हो सके अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करो और खुश रहने की कोशिश करो, तो ऑब्वियसली आपका जो काम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, बस यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको मेरे को लगता है थोड़ी तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, स्टोरी के टाइप के मैं आपको मैंने नरेट की पूरी वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, थैंक यू।